हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नैपकिन वेंडिंग का एक अपडेटेड मॉडल जिसमें जीएसएम फीचर भी इनबिल्ट है। ये मैसेज करेगा जब नो स्टॉक हो जाएगा, यानी अवेलेबल क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तब ये नो स्टॉक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये T1 प्राइस 5 रुपीज और ये T2 प्राइस 5 रुपीज। आप यहाँ पे 5 की जगह कुछ भी सेट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। यानी ये दो ट्रे हैं, इन दोनों ट्रे में अपने हिसाब से आप क्वांटिटी मतलब इसका प्राइस सेट कर सकते हैं। और कॉइन डालने के बाद जिस ट्रे से आप डिस्पेंस लेना चाहते हैं उसके लिए ये कंफर्मेशन बटन मैंने लगा दिया है, स्विच है, जो बटन प्रेस करेंगे उससे ये डिस्पेंस करेगा। दूसरा ये है कि जब ये नो स्टॉक हो जाएगा, यानी जो ये अवेलेबल क्वांटिटी है जीरो हो जाएगा, तो स्क्रीन पे नो स्टॉक लिखा हुआ आएगा और मोबाइल पे मैसेज भेजेगा इस जीएसएम के थ्रू। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसमें ये एक सिम लगा हुआ है, आप इसमें 2G 3G कोई भी सिम लगा सकते हैं। आप 4G भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जियो का सिम नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि वो 2G 3G में कन्वर्ट नहीं होता है। ये मॉड्यूल जो है वो 2G मॉड्यूल है, तो आप इसमें आइडिया, वोडा या एयरटेल वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसा कि जो आज की डेट में आइडिया वोडा है वो VI के नाम से चल रहा है, तो आप VI का भी लगा सकते हैं और या एयरटेल का यूज करिए। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि जैसे ही हम इसमें क्वाइन डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 5 रुपीज का क्वाइन इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने इंसर्ट किया, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं ₹5, यानी अभी इसने 5 रुपीज एक्सेप्ट किया है। मैं क्या करता हूँ, 5 रुपए और डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 10 रुपीज हो गया। अब इसमें ये दो बटन है मेरे पास, ये 1 है और ये 2 है। मैं जिस बटन को प्रेस करूंगा उस ट्रे से डिस्पेंस होगा। ट्रे की जगह पे मैंने यहाँ पे जो ट्रे में लगता है मोटर उसे कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, T1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये मोटर रोटेट किया। ये रोटेट करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अवेलेबल क्वांटिटी है 49 हो गया और 5 रुपीज अभी भी स्टॉक में मतलब रुपीज में इसमें बचा हुआ है, क्योंकि मैंने 10 रुपीज का डाला था क्वाइन, तो 5 रुपए लेस हो गया, जो कि T1 की का जो प्राइस है वो 5 रुपीज सेट है। तो मैं एक बार और डिस्पेंस ले सकता हूँ, मैं आपको T2 से डिस्पेंस करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये T2 से मैंने डिस्पेंस कर लिया। और अब मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ ये मैसेज कैसे भेजता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये 3 स्विच दिया गया है, ये कंट्रोलर से 3 स्विच का एक PCB लगा हुआ है। इसमें ये पहला मेन्यू बटन है, दूसरा अप का है और तीसरा बटन जो है वो डाउन का है। तो मैं क्या करता हूँ, और इसमें ये जो लास्ट बटन है ये रिफिल का है, यानी अगर आप अवेलेबल क्वांटिटी को रिफिल करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करेंगे रिफिल हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देखिए, और मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही प्रेस करूँगा स्क्रीन पे रिफिल लिखा हुआ आया और दोबारा से जो क्वांटिटी है वो 50 हो गया, यानी इसका जो मैक्सिमम ट्रे क्वांटिटी है वो मैक्सिमम पे ले जाके रिफिल करता है। और आप देखेंगे मोबाइल पे तो ये मैसेज भी भेज दिया है मेरे को जस्ट नाउ, यहाँ आप देख सकते हैं अभी अभी, और रिफिल क्वांटिटी क्या है 50। इसमें जितने क्वांटिटी से ये रिफिल हुआ है उतने का आपको यहाँ पे मैसेज कर देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 50 लिखा हुआ है, तो यहाँ अवेलेबल क्वांटिटी भी 50 है। तो इससे जो ऑनर है उसको पता लग जाएगा, मशीन कहीं भी लगी हुई है, जब भी उसके अंदर नैपकिन रिफिल किया जाएगा, जैसे ही उसके अंदर नैपकिन डाल के और इस रिफिल बटन को प्रेस करेंगे यानी कंट्रोलर को अपडेट करेंगे, तो मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज चला जाएगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ ये कैसे दिखता है और इसके अंदर नंबर कैसे सेट किया जाता है। तो इसका ये फंक्शन बटन है, मैं इसको प्रेस करूँगा तो T1 क्वांटिटी, T2 क्वांटिटी, ट्रे, यानी ये सारी सेटिंग करने के बाद प्राइस वगैरह आप सेट कर सकते हैं, ट्रिगर टाइम, ट्रिगर डिले,
टोटल सेल आप देख सकते हैं, 3 पैड इसमें से डिस्पेंस किया जा चुका है और ये क्वाइन कोलैप्स है। उसके बाद जो आएगा वो है मोबाइल नंबर। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसकी जगह पे आप भी अपना सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए ये दूसरा बटन है, इसी से आप सेट कर सकते हैं। जैसा कि जैसे यहाँ पे 8 है, मैं इसको प्रेस करूँगा, ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे, दोबारा 8 किया, अब मेरे को शिफ्ट करना है दूसरे पे, तो यहाँ पे शिफ्ट करूँगा और फिर से मैं 2 किया, यानी ये वाला शिफ्ट बटन का काम करेगा और इससे आप नंबर इंक्रीज करते रहेंगे। ये 9 के बाद दोबारा 0 हो जाएगा और फिर 0 से 9 इसी सर्कल में चलेगा। तो मैं इसमें अपना नंबर सेव कर दिया हूँ। जैसे ही आपका जो नंबर सेव हो जाता है 10 डिजिट्स का डिजिट का, आप ये एग्जिट बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपका नॉर्मल स्क्रीन आ जाएगा। तो होप सो आपको ये कंट्रोलर पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को ईमेल के थ्रू, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।